नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अर्न अ ग्रुप एंड फाउंडेशन में। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है लाइव क्लास की वीडियो है और मैं चाहूंगा आप सभी इस वीडियो को गौरतलब देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस वीडियो को देख करके बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हम अपनी वीडियो की ओर। मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं सतीश कुमार जुड़े हैं और शिवास पांडा। चलिए, वेलकम टू माय चैनल। अब आते हैं हम लोग कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो मैं बात करूंगा आप लोगों के बीच में, तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि डेस्कटॉप किसे कहते हैं, डेस्कटॉप का स्क्रीन कैसे हम लोग शेयर करेंगे, स्क्रीन कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड में हम लोग कैसे डेस्कटॉप को कनेक्ट करेंगे कि डेस्कटॉप मेरा बैकग्राउंड उसका चेंज हो जाए। तो वो सारे फंक्शन बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे उनको बिल्कुल ही पता नहीं होगा, तो उसके लिए ही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अपने डेस्कटॉप के बारे में जानकारी नहीं है तो ये जान लीजिए कि आप यहाँ पर स्क्रीन देख रहे होंगे अभी हमारे सामने। यहाँ पर जो सामने जो ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है और ये पिक्चर्स जो दिख रहे हैं, जो पिक्चर सामने ये फ्लावर्स की पिक्चर है, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया। अब इसे हम चेंज कैसे करते हैं? आप अपने डेस्कटॉप पे इसे को हम लोग पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं, ये ध्यान रखिए। पूरे स्क्रीन हमारे कर्सर पे ध्यान रखिएगा। इस खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज का ऑप्शन पे लेंगे। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, खुल के आने दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाएंगे। बैकग्राउंड का ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारा सामने जो बैकग्राउंड जो दिख रहा है, मतलब पहले जो हमारा बैकग्राउंड लगा हुआ वो बैकग्राउंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं उसको चेंज करना तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ब्राउज ऑप्शन में जाएंगे, ब्राउज पे जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप कहीं भी अगर अपने सिस्टम में रखे हैं बैकग्राउंड कलर, जैसे अगर कोई पिक्चर्स रखे हो या कलर्स बना करके रखे हो, तो आप वहां से डायरेक्टली कोई पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे आपका बैकग्राउंड कलर चेंज पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये था। और यदि यदि हम लोग को आगे और भी कुछ जानना होगा, जैसे कि कलर्स के बारे में जानना है कि कलर्स हम लोग कैसे सीखेंगे कलर चेंज करना, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पर पिंक कलर दिखा रहा है, आप यहाँ पर ब्लू कलर ले सकते हैं। ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा आपके बैकग्राउंड पर यहाँ पर ब्लू कलर गया, यानी आपके जो बैकग्राउंड पे कलर था पिंक, वो पिंक से हट करके ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग अगर स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, मतलब पासवर्ड वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या थीम लगाना चाहते हैं तो आप थीम पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारा थीम नीचे नजर आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे सामने नीचे बहुत सारे थीम्स नजर आ रहे हैं, और आप जैसे किसी भी थीम पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट अभी इस थीम को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें 5 इमेजेस होंगे, यानी कि सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इमेज। ठीक है, और आप इसको कर सकते हैं कस्टम थीम। अगर आप ऐसे ही करते हैं यूज कस्टम थीम, तो ये आपके बैकग्राउंड पे जाकर के लग जाता है, और हमेशा 5 मतलब जो इसके पास 5 इमेज है, वो 5 इमेज में से एक इमेज आपको हमेशा 10 मिनट 2 मिनट जो भी आप टाइम ड्यूरेशन डालते हैं, उस ड्यूरेशन के टाइम में वो चेंज होता होगा, खुद ही ऑटोमेटिकली होता नजर आएगा। ठीक है, तो ये था डेस्कटॉप के बारे में मैंने बताया आपको। अभी स्टार्ट, आप देखिए यहाँ पर स्टार्ट जैसे बोलते हैं स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी फंक्शन हमारे सिस्टम में यानी हमारे कंप्यूटर्स में होंगे वो सामने आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कौन से प्रोग्राम में काम करना है, किस प्रोग्राम में काम करना है, तो आपको जिस भी प्रोग्राम में काम करना है आप बकायदा उस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपको इसमें से अभी कैलकुलेटर का यूज करना, तो कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटर खुल जाएगा। अब आपको यहाँ से जो भी ऑप्शन लेना है, प्लस माइनस करना है, तो आप इस पे ले सकते हैं और इक्वल टू करेंगे, आपके पास आंसर्स भी होंगे। ये हमारा ऑप्शंस हो गया स्टार्ट में। स्टार्ट बेसिकली क्या होता है, हमारे प्रोग्राम फंक्शन को दिखाता है कि हमारा प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम हमने अपने सिस्टम पे डाल रखे हैं, वो आपको पूरा लिस्टिंग, वो पूरी तरह से लिस्टिंग करके दिखाएगा। ठीक है, दूसरी चीज है,
आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक लाइनिंग बनी हुई है, दिस इज कॉल्ड टास्क बार, दिस इज कॉल्ड टास्क बार। ये एक टास्क बार है, इसे हम लोग टास्क बार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज जो है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर छोटी छोटी आइकन दिख रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्विक लॉन्च आइकन, इसको लोग बोलते हैं क्विक लॉन्च आइकन, मतलब ये क्विक लॉन्च, दैट मीन्स आप क्लिक करें और वो प्रोग्राम पूरी तरह से ओपन हो जाए, ठीक है। ये क्विक लॉन्च आइकन इसको बोलते हैं। तीसरी चीजें हैं कि आप यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ टाइम है, डेट है, तो दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, मतलब इस एरिया को, यहाँ से यहाँ की एरिया को हम लोग नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, गॉट इट। उसके बाद अगर आगे चले हम लोग जैसे, तो आगे की अगर मैं बात करूं तो आते हैं, अब ये सामने आपको यहाँ छोटे छोटे आइकन दिख रहे होंगे, ये आइकन्स जो हैं, ये आइकन्स हम लोग डेस्कटॉप आइकन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बहुत लोग इनको फोल्डर भी बोलते हैं, तो फोल्डर आर डिफरेंट, आइकन इज डिफरेंट फोल्डर। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे ये इसके अंदर कंटेंट, जिस आइकन के अंदर कंटेंट आपको दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड फोल्डर। इस आइकन के अंदर आपको कंटेंट नहीं दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्टली खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये हमारे इसके अंदर कंटेंट जो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से बाहर से थोड़ा सा कुछ ना अनुभव होता होगा, इसमें कुछ इमेजेस हैं या पिक्चर्स है या वीडियोज हैं, तो दिस इज कॉल्ड, हम लोग इसको बोल सकते हैं फोल्डर। ये फोल्डर है, इसके अंदर कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग फोल्डर कहेंगे, बाकी ये आइकन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड किसे कहते हैं, नोटपैड क्या है, ठीक है। नोटपैड इज अ जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर इंक्लूड विथ ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट अलाउ यू टू क्रिएट ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल। नोटपैड क्या है, तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर है, ये बहुत सारे वर्जन में मिल जाएंगे आपको, मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली इनबिल्ड आता है ये, ठीक है। लेकिन इससे बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट का काम करते हैं, प्लेन टेक्स्ट ओनली टेक्स्ट। मैं एक बात बता दूं, नोटपैड का एक बहुत बड़ा खासियत है, बहुत लोगों को पता होगा भी या नहीं होगा, आप चाहेंगे अगर वर्ड इसमें जो वर्ड हमने लिख रखे हैं, इस वर्ड को आप चाहेंगे कि एक सिंपल वर्ड का फॉन्ट हम चेंज कर दें तो वो बिल्कुल ही नहीं होगा, नोटपैड का ये खासियत है। आप एमएस वर्ड में कर सकते हैं, वर्डेड में कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसका मैं दिखा देता हूँ, इसका पूरा विवरण मेरे पास है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। नोटपैड क्या है, नोटपैड विंडो के पैकेज के साथ आने वाला एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें टेक्स्ट लिखने संबंधी कार्य होते हैं, इसमें फॉर्मेट और स्टाइल के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते और चित्र वगैरह भी नहीं जोड़े जा सकते। इसमें आपको लिखना शुरू करने से पहले ही फॉन्ट सेट कर लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी सुविधाएं मौजूद तो है, लेकिन दिस इज पॉइंट, लेकिन ये या तो आपके नोटपैड के अंदर की सारी टेक्स्ट देख रहे होंगे, अंदर की सारी टेक्स्ट में लगेगी, नहीं तो किसी में भी नहीं, मतलब अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो ये पूरी लिखी हुई टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा। आप सिंपल एक टेक्स्ट को चेंज करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो आगे आपको मिल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई वाक्य लिखा है, ठीक है, कोई भी वाक्य, मतलब एक सेंटेंस, एक वर्ड आप लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके किसी एक शब्द को अंडरलाइन करे, मतलब किसी एक शब्द को बोला जाए, किसी एक शब्द को, ठीक है, इस प्रकार से एक शब्द को अंडरलाइन करे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी एक शब्द को अगर आप बोल्ड करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, इटैलिक करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, अंडरलाइन करना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पूरी तरह से पूरे सेंटेंस को उठाना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ये फाइल को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करता है। जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं एमएस नोटपैड में, अगर हम लोग काम करते हैं नोटपैड के फाइल को, किसी भी फाइल को हम लोग सेव करना चाहते हैं या सेव करते हैं, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है डॉट txt, डॉट
txt होगी, ठीक है, .txt में आपका सेव होगा, ध्यान रखिएगा .txt फाइल में सेव होगा। अब आगे आते हैं हम लोग, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट, आप आगे देख सकते हैं, फिर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे बड़े सॉफ्टवेयर भी इसकी पहचान कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप पैराग्राफ बना तो सकते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग लाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नोटपैड में ये इसका डिमेरिट है, आप पैराग्राफ जरूर बनाएंगे लेकिन आप चाहेंगे कि इसको हम लोग सेव कर ले तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हम लोग हर बार पैराग्राफ चेंज करें तो ये नोटपैड में पैराग्राफ चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन आ जाएगा, पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर है भी, उन्हें अलग अलग लाइन नहीं कर सकते, ये था नोटपैड में, ठीक है। अब इसका जस्ट नोटपैड का दूसरा भाग जो आया वो है वर्डपैड। वर्डपैड क्या है तो हम लोग वर्डपैड की अगर बात करें तो वर्डपैड में आते हैं व्हाट इज वर्डपैड, जितने भी लाइन पे हैं आप लोग सारे इनको नोट भी कर सकते हैं या तो अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको नोट करना ही पड़ेगा। और दिस इज द बेसिक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक्स है ये, इनको आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आप कुछ और आगे नया सीख सकते हैं। क्योंकि नोटपैड को डेवलप करके वर्डपैड को बनाया गया, वर्डपैड को डेवलप करके एमएस वर्ड यानी एमएस ऑफिस जैसा पैकेज को बनाया गया कि एमएस ऑफिस क्या है। और एमएस ऑफिस में जैसे डिफरेंट टाइप के आपको पार्ट्स मिलेंगे, उसके जैसे कि एमएस वर्ड देख सकते हैं, एमएस एक्सेल देख सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट देख सकते हैं, आउटलुक देख सकते हैं, तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको उसमें ऑप्शंस मिलेंगे। आते हैं एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड इज अ फ्री रिच टेक्स्ट एडिटर फर्स्ट इंक्लूडेड विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, ठीक है। एमएस वर्ड फ्री रिच टेक्स्ट है, एडिटर है मतलब फ्री है, इसके कोई पैसा की जरूरत नहीं है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, ठीक है। और ये टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर दैट मींस आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आसानी से आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, ये जब इंक्लूड किया गया था तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 था, नोटेड, ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 था। एंड ऑल वर्जन सिंस ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग मोर देन नोटपैड, मतलब इसका कैपेबिलिटी जो है वो नोटपैड के कंपैरिजन वर्डपैड का ज्यादा है। हम लोग नोटपैड में सीमित हैं कि एक वर्ड का सेंटेंस को हम लोग इटैलिक में चेंज नहीं कर सकते हैं, बोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको ये सारी सुविधाएं आपको वर्डपैड में मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑल वर्जन सिंस ऑल्सो कैपेबल डूइंग मोर देन नोटपैड, मतलब नोटपैड के कंपैरिजन में वर्डपैड बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वर्डपैड इज अ नोट एज एडवांस, ये एडवांस नहीं है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउएवर इट डज गिव यू एडिशनल फीचर्स सच एज द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरेस्टिंग पिक्चर एंड टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, इसमें आपको एडिशनल फीचर मतलब कंपैरिजन किया जाए नोटपैड के कंपैरिजन में वर्डपैड में कुछ ऐसे नए फीचर्स हैं और फॉर्मेट का ऑप्शन है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वर्डपैड, आप थोड़ा सा जैसे हिंदी देते हैं, हिंदी क्या कहता है, अब आगे हम लोग इस हिंदी लैंग्वेज को भी जानना जरूरी है। वर्डपैड क्या है, ये भी विंडोज के एक पैकेज के साथ आता है, बिल्कुल सही, ये विंडोज के पैकेज मैंने पहले बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज के साथ आता है, लेकिन नोटपैड के साथ तुलना करें तो ये थोड़ा एडवांस एडिटर है, मैंने पहले बताया आप लोगों को ये थोड़ा एडवांस एडिटर है, ठीक है। हालांकि इसका भी मुख्य फंक्शन टेक्स्ट संबंधी कार्य है, इसका जो मुख्य फंक्शन है वो टेक्स्ट संबंधी कार्य है,
लेकिन इसमें आप चित्र को जोड़ सकते हैं, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, नए पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको नोटपैड में नहीं मिलेंगे, ये फीचर्स आपको नोटपैड में नहीं मिलेंगे। अगर नोटपैड में आप चाहेंगे कि हम किसी पिक्चर्स को जोड़े या किसी वर्ड में पिक्चर को ऐड करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन वर्डपैड में ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आप चित्र इसमें जोड़ सकते हैं। आगे आते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, यानी आप किसी भी चीज को एडिट भी कर सकते हैं। फंक्शन के हिसाब से आप चित्र या किसी प्रकार का वॉलपेपर इसके आप यूज कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट बदलने और लाइन जोड़ने जैसे ऑप्शन भी हैं, और पैराग्राफ को भी अच्छी तरह से अलाइन किया जा सकता है। मतलब नोटपैड में पैराग्राफ अलाइन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, वर्डपैड में क्या है कि आप अलाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर कि हम लोग अलाइन पूरी तरह से कर सकते हैं। अब इसकी खासियत, जो इसकी खासियत हम लोग बोलते हैं, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत मैं बता दूं, इसकी खासियत आप यहां से देख सकते हैं अभी कि वर्डपैड की ये भी खास है कि आप इसमें हेडिंग भी दे सकते हैं, इसमें फाइल सेव करने के तरह तरह के ऑप्शन आते हैं, लेकिन यूजर इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने के कारण इन सबका ज्यादा प्रयोग नहीं होता। ये अगर फाइल के आकार भी की बात करें तो ये थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप को तो कोई ऑफिशियल कार्य करना है, कोई भी ऑफिशियल कार्य करना है, तो ये एक बेहतर विकल्प है, मतलब एक बहुत बेहतर विकल्प है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो बना रहा होगा, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे कि हमने बताया आपको वर्ड पे डिफरेंस क्या है, और मैं कहीं कि आप लोग इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी काम पे आप नोट कर लीजिएगा। और हमारा जो क्लास का डेली 2 दिन से चल रहा है, जो मैं लिंक देता हूँ, आप लिंक अपने जो किस है फ्रेंड है उनको भी भेजिए और उनको बताइए कि इसमें ढूंढने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे थोड़ा नया है हम लोग कि अब आगे क्या सीखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, ऐसा एसोसिएशन है और कैसे प्रकार से हम लोग इन एसोसिएशन को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड खोलने का तरीका, जो नोटपैड खोलने का तरीका है, आप स्टार्ट पे जाकर के क्लिक करके आप वहां पर सर्च करा सकते हैं या डायरेक्टली आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है विंडोज के, विंडोज से डायरेक्टली विंडो आर नोटपैड टाइप करके एंटर करके खोल सकते हैं, या तो आप डेस्कटॉप टाइप पे क्लिक करके सामने सर्च की ऑप्शन होती है, आप सर्च क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके साथ क्या होगा कि आपको वहां पर लिखने का ऑप्शन आएगा, लिखने का टाइप करने का ऑप्शन आएगा, आप वहां पर टाइप करेंगे। यहाँ सेम चीज करते हैं, नोटपैड टाइप करते हैं एनओटी। अब देखिए आपके टॉप पे यहाँ नोटपैड दिख रहा होगा और आप एंटर बटन, जैसे आप एंटर करते हैं आपके सामने नोटपैड खुल के आ गया। अब देखिए दोनों में डिफरेंशिएशन बताऊंगा, सबसे पहले नोटपैड के बारे में बताऊंगा, नोटपैड का डिफरेंशिएशन क्या है। मैं यहाँ पर कुछ एक मैसेज टाइप करता हूँ, दिस इज गुड बाय। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इसी फीचर्स जो होगी, सबसे पहले जो फीचर्स है, आप इसको पूरी तरह से सेलेक्ट कर लो। एडिट में जाओगे तो क्या ऑप्शन मिलते हैं, एडिट में अंडो कट कॉपी डिलीट सर्च बिगनिंग फाइंड माय नेक्स्ट। तो ये तो एक फीचर से जो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट में कोई कोई खास एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा। आप फॉर्मेट में आएंगे, फॉर्मेट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वर्ड डॉट और दूसरा है, और हम लोग बाय डिफॉल्ट वर्ड रैप में होते हैं। ठीक है, हम लोग बाय डिफॉल्ट वर्ड रैप में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको ऑप्शन मिलेंगे फॉन्ट में, तो हम लोग फॉन्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन सामने खुल कर जाएगा। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हम लोग इस कंटेंट को जो हमने यहाँ लिख रखा है, इस कंटेंट को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप इसके इस कंटेंट को क्लिक करते हैं,
आपको यहाँ पर क्या होगा कि चेंज होता रहेगा। देखिए ऊपर में लिखते जाइएगा कि अभी हम लोग चेंज करेंगे। सपोज ये पत्थर है, यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल मिलेंगे, फॉन्ट को चेंज करना, मतलब फॉन्ट टाइप में लिखा हुआ स्टाइल को चेंज करना, लिखा स्टाइल को चेंज करना अगर चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके चेंज कर लेंगे। ठीक है, लाइट में लाइट ऑब्लिक रखना है, लाइट ऑफ भी कर सकते हैं या लाइट रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि फॉन्ट स्टाइल में ना बोल्ड का ऑप्शन मिल रहा है, ना अंडरलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, ना इटैलिक का ऑप्शन मिल रहा है। मैंने पहले बताया था कि ये नोटपैड में नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे नोटपैड में, आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप यहाँ से फोन साइज को चेंज कर सकते हैं। फोन साइज दैट मीन्स यहाँ पर साइज मतलब जो हमने लिख रखा है इसकी साइज जो होती है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि थोड़ी बड़ी साइज रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी बड़ी साइज को कर सकते हैं। चलो 48 ले लेते हैं और ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ फॉन्ट चेंज हो गया, पूरी तरह से हमारे लिखे हुए फॉन्ट चेंज हो गए और फॉन्ट के साथ साथ उसकी साइज भी चेंज हो गई। ये काम बेसिकली कर सकते हैं। इसके आगे बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे मान लो इन सभी चीजों को हम लोगों को कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करके आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं, देख सकते होंगे आप। अब इसमें एक और चीज मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर मैंने एक ही मैसेज टाइप किया है, दिस इज गुड बाय, सपोज दैट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गुड को रिप्लेस करें, फाइंड करें, ये मैंने एक पेज लिखा, आप बहुत सारे पेज में लिखते होंगे, सपोज दैट मतलब बोल सकते हैं 500 पेज लिखे हो या 100 पेज के कैपेसिटी में इसको टाइप कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे आउट करेंगे। मैंने एक चीज लिख रखा है अलग अलग डिफरेंट वर्ड हो और किसी एक वर्ड को फाइंड करते हो, तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, आप फॉरवर्ड पे जाएंगे या सॉरी एडिट पे जाएंगे, एडिट पे आपको यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन मिलेगा, आप देख रहे होंगे, या आप इसको शॉर्टकट की में यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ। आप लोग अगर नोटबुक रखे हैं तो नोटबुक में नोट कीजिए, इस प्रकार पहले बताया कि आप लोग नोटबुक लेकर बैठा कीजिए, आप उसे नोट कीजिए कंट्रोल प्लस एफ, हम लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या तो आप एडिट में जाकर फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पूछना फाइंड व्हाट, आपको क्या पूछना है, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो मान लो मुझे गुड ढूंढना, यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे GOOD गुड और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो देखना कि इन सभी लाइन जो यहाँ हमने लिख रखा है तो सबसे पहले गुड जहाँ होगा वहां वो फाइंड करेगा, फाइंड नेक्स्ट। देखो टॉप पे हमारा गुड था, उसको फाइंड किया, नेक्स्ट फिर करेंगे तो जहां जहां गुड होगा वो पूरी पेज में 500 पेज हो या 1000 पेज हो मतलब नहीं, उसे जहां जहां वो गुड होगा वहां वहां फाइंड आउट करके आपको दिखा जाए कि यहाँ यहाँ गुड है। अब देखिए जैसे जैसे नेक्स्ट करेंगे वैसे वैसे आपको ऑप्शन मिलते चले जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि गुड को हम बैड में कन्वर्ट करें, हो सकता है मान लो मैं चाहता हूं कि ऊपर के दो लाइन तीसरी लाइन वाली गुड को बैड में कन्वर्ट करें, तो कर सकते हैं। तो हम लोग उस केस में यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन होगा, एडिट में जाएंगे रिप्लेस करेंगे। आप यहाँ पूछ रहे हैं रिप्लेस क्या करना है, तो सबसे पहले उस वर्ड को फाइंड आउट कराएंगे कि जिस वर्ड को रिप्लेस करना है, तो मुझे गुड को कराना है तो हमने गुड को कर रखा, तीसरी लाइन को सेलेक्ट कर लिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइप हुआ है गुड, नीचे हमने यहाँ पर डाल रखा है बेड, ठीक है, तो बीईडी बेड। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे रिप्लेस, एक बार रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा गुड हटकर बेड हो गया, दिख रहा होगा। अब बेड के बाद अगर हम चाहते हैं कि उन सारे जगहों पे मतलब जहां जहां गुड है वो सारे जगह पर बेड हो जाए, इतना टाइप करने का समय नहीं होता है, तो जहां जहां आपके पास गुड ऑप्शन है वो बेड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कर देंगे रिप्लेस ऑल। आप जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे आप देखिए जहां जहां हमने गुड लिख रखा था ऑटोमेटिकली वहां बेड हो गए, लेकिन अभी यहाँ पर एक पंगा क्या है कि हमने कॉपी किया था क्या, दिस इज गुड बाय, ठीक है, अभी कंट्रोल वी मारेंगे ना तो गुड आएगा, देखो दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट ऑप्शन है तो फिर बैड में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर गुड के जगह पर बैड कन्वर्ट करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे, बाकी सारे जगह हो गया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे जगह फिर बैड हो गया। तो ये था नोटपैड का फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं सेव करने के लिए, मैं फाइल के बारे में बता दूं, फाइल में क्या है न्यू, दैट मींस अंदर आपको न्यू पेज चाहिए होंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे सामने आपको न्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है डू वांट टू सेव, अगर सेव करना है तो यस, नहीं करना है डोंट सेव करेंगे तो सामने न्यू पेज आ गया, आपको दिख रहा होगा। दूसरा चीज है कि न्यू विंडो, अगर नई विंडो लेना है नोटपैड की, इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो सामने और आ जाएगी, देखिए एक नोटपैड ऊपर में यहाँ पर खुला हुआ है सामने दिख रहा होगा और दूसरी विंडो सामने एक और नोटपैड की खुल के आ गई,
दिख रहा होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपन ऑप्शन जाके हम लोग अगर कोई फाइल ऑलरेडी पहले बना रखे सेव कर रखे उस फाइल को ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे ओपन क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि आप पहले जो फाइल बनाए हैं वो कहाँ आपने सबमिट करा रखे या सेव करा रखे हैं। तो हम पहले फाइल मान लो मैंने डेस्कटॉप पे बना रखी है वो फाइल, एक फाइल कोई भी ओपन करता हूँ लिंक, ठीक है ये नोटपैड की फाइल है ठीक है, और इसको ओपन करूंगा तो देखिए मेरी पहले जो मैंने फाइल बना रखी वो सामने आपको दिख रही होगी। तो हम लोग किसी फाइल ओपन कराने के लिए ओपन वाली ऑप्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि आप अगर ये फाइल को सेव करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली जैसे सेव हो जाएगा, लेकिन फाइल में मान लो मैंने फाइल बना रखी है और फाइल में कुछ एडिट किया और मैं उसी फाइल में सेव हो, जैसे मान लो यहाँ पर अपना नाम लिखना, मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया चंदन कुमार, मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया। अब मुझे इसको इसी फाइल में सेव कराना है तो आप यहाँ ध्यान रखिए लिंक की फाइल में सेव करना कुछ नहीं करना, कंट्रोल एस कर दो या तो सेव क्लिक कर दो, सेव क्लिक कर दिया इसको क्लोज कर दो, वापस से कई फाइल खोलोगे उसी फाइल में चंदन वहां पर आपको टाइप मिलेगा। फिर से ओपन करता हूँ एक बार दिखाने के लिए, लिंक टू था ओपन करता हूँ, सॉरी ये फाइल था लिंक, फाइल पे जाएंगे वापस से ओपन पे जाएंगे, ओपन में जाने के बाद हमने कहाँ सेव करा रखी थी डेस्कटॉप पे आएंगे, ये लिंक वाली फाइल थी आई थिंक, ये रहा तो अब पूरी क्या होगा ठीक है, तो हमने ऐसा चेंज कर सकते हैं या आप चाहते हैं इस फाइल को फिर से अगेन वो कोई भी चेंजेस किए हैं आप चाहते पहले जो चीज थी वो सेम वैसा ही रहे और उसके नेक्स्ट वाली फाइल चेंज हो जाए ठीक है, नेक्स्ट मैं जब सेव करूँ वो फाइल अलग से हो वो अलग से हो, तो हम वापस फाइल में जाकर के सेव एज का ऑप्शन लेते हैं, सेव एज का ऑप्शन लगेंगे तो ये बताएगा कि इसको दोबारा फिर से एक बार सेव करना है, तो आप यहाँ पर अपना दूसरा नाम डालेंगे, जैसे मैंने लिंक डाला है तो लिंक 3 कर देंगे, वहां 2 था 3 कर देंगे, तो लिंक 3 के नाम से फिर एक फाइल नया सेव हो जाएगा, वो पहले आपने जिस एडिट किया वो फाइल सेम रहेगा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दूसरे फाइल में वो चेंज हो जाएगी ठीक है। और फिर आप जैसे यहाँ पर से क्लोज करोगे तो वो फिर से ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू सेव, तो आप वहां पर डालेंगे नो ठीक है। ये था नोटपैड में, नेक्स्ट है आपका पेज सेटअप, पेज सेटअप का दैट मीन्स हम लोग पेज को सेटअप करते हैं, हम लोग जब पेपर को प्रिंट करते हैं कि हम लोग पेज को किस आकार में रखना है, A4 साइज में रखना है, A5 साइज में रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है, तो आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन नोटपैड में नहीं मिलेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको प्रिंट किस प्रकार का इसका लेना है। मैं बता दूं कि आप पोर्ट्रेट जब लेते हैं तो ये खड़ी जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, ये खड़ी जो चीजें होती है पेपर जो भी रखेंगे ये खड़ी पेपर रखेंगे ये पोर्ट्रेट हो गया। आप जैसे इसको जस्ट इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं इस भाग को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप ठीक है, पेज को राइट ट्रायंगल में मोड़ दो या लेफ्ट ट्रायंगल में मोड़ दो उसे हम लोग कहेंगे लैंडस्केप ओके। तो ये बेसिकली हम लोग प्रिंट के दरमियान देखते हैं कि हमारा कंटेंट कितना है, वो कंटेंट छूटना नहीं चाहिए तो हम लोग पेज को एडजस्ट करते हैं। तो आपको यहाँ साइज का भी ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ साइज पे A4 A3 आपके पास पेपर पता होना चाहिए A3 पेपर होना। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।